अंबिकापुर में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार एक लड़की की मौत हो गई। सीसीटीवी कैमरा में दिख रहा है हादसा के वक्त बाइक सवार ने गलत तरीके से ओवरटेक करने का प्रयास किया था। जानकारी के मुताबिक लुंड्रा निवासी रेशमा लकड़ा उम्र 17 साल अपने दोस्त लक्ष्मण क्रिकेटर के साथ अंबिकापुर घूमने आई थी। दोनों बनारस रोड से अंबिकापुर में एंट्री कर रहे थे जबकि एक ट्रक गांधी चौक से अम्बेडकर चौक की ओर जा रहा था। अभी ट्रक अंबेडकर चौक पर पहुंचा था कि बाइक सवार लक्ष्मण ने बाएं साइड से ओवरटेक करते हुए ट्रक के सामने से राइट टर्न ले लिया। इससे बाइक ट्रक से टकराई और दोनों नीचे गिर गए। तभी ट्रक लड़की को कुचलता हुआ आगे निकल गया। बीच चौराहे पर हादसा होते ही लोगों ने ट्रक रुका लिया। इसके बाद ड्राइवर को केबिन से बाहर खींच लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। इस बीच ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने किसी तरह से उसे लोगों से छुड़ाया और गिरफ्तार कर थाने पहुंचाया। पुलिस ने ट्रक भी जब्त कर लिया है। इसके बाद लोगों ने 100 सड़क पर रखकर जाम कर दिया और मुआवजे की मांग करने लगे। पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत कराया और 100 पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। पूरा मामला गांधीनगर थाना का है। लोगों की जान नाराजगी है कि खराब सड़क के चलते लगातार हादसे हो रहे हैं। बाइक सवार भी सड़क पर बने गड्ढे के चलते अनियंत्रित हुआ और नीचे गिरने से पीछे बैठी लड़की ट्रक की चपेट में आ गई। हालांकि लड़की को ज्यादा चोटें नहीं आई है। अंबेडकर चौक में पहले भी हादसे हो चुके हैं। कुछ महीने पहले पीजी कॉलेज की स्कूटी सवार एक कर्मचारी भी चौक पर गड्ढों में अनियंत्रित होकर गिर गए थे और ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई थी। इससे पहले भी कई हादसे होते रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।